हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है किट्टू ब्लॉग्स के नए ब्लॉग में। तो ये दोपहर का टाइम है, ढाई बज रहा होगा, तीन बज रहा होगा। और यहाँ पे देखिए मम्मी सारा कपड़ा इनका लेकर के बैठ गई हैं प्रेस करने के लिए। खाना भी बनाना इनका कपड़ा प्रेस करना कर रही हैं। क्या करें, अकेले ऐसे बोर हो रहे हैं तो कुछ करते रहेंगे, टाइम भी कटता रहेगा। और मम्मी मेरी क्या है ना, अरे इतने साल हो गया है कभी भी ऐसे फ्री नहीं बैठी रहती हैं, इनको खाली रहना ना अच्छा नहीं लगता है। कुछ ना कुछ करती रहती हैं। तो छोटा वाला भी आईफोन कहाँ पे है? मुझे नहीं पता है, मुझसे मत पूछो ना। नहीं। तो कहीं लाओ, इनका सारा कपड़ा ही प्रेस कर देते हैं। और मैं तो भी जैसे बैठ नहीं पाती हूँ तो मम्मी बोली दो, हम ही कर देते हैं, यहाँ पे सारा कपड़ा वगैरह प्रेस कर देंगे। इतना कर चुकी है, अभी ला के और रख दिए। मम्मी बोले नहीं ला दीजिए, हम कर देते हैं। बोले नहीं, हम बाहर करवा लेंगे। कहीं नहीं दीजिए, हम यहीं पे कर देते हैं, क्या चले जाएंगे बाहर करवाने के लिए। और बैग इसमें से जो कुछ और कपड़े हमने निकाले हैं और कुछ कपड़े रखे हैं जो कि मम्मी लेकर आई थी, पुराना कपड़ा, वही हम इसमें। अभी हम लोग थोड़ा सा मेडिसिन वगैरह और सारा चीज़ रिपोर्ट वगैरह चल रहे हैं रखने के लिए, किट्टो को एक तरफ कर लेते हैं और मम्मी लोग कोई बोलेंगे अपना एक दो ड्रेस रख ही लें। हाँ, क्योंकि दोनों लोगों को साथ में ही ले चलेंगे ना, तो अपना एक दो साड़ी रख लेंगे, सही रहेगा। बोलते ना हाँफने लगते हैं, पता नहीं क्यों, वजन ज़्यादा बढ़ गया ना इसके वजह से हाँफने लगते हैं। और ठंडी भी उतना नहीं है, बिल्कुल भी ठंडी नहीं है कि हाँ ठंडी लगे। दोस्तों, आप सबको पता है कि आज रोज डे है, और मेरे पास रोज नहीं है कि हम सबको रोज दे दें। ऐसे ही बोल देते हैप्पी रोज डे मम्मी, खुश रहो। हैप्पी रोज डे बोल रहे तो करें खुश रहो, बोल दो हैप्पी रोज डे। हैप्पी रोज डे किट्टो जी, रोज है अपने पास? मम्मी से बोल देना हैप्पी रोज डे तो करेंगे खुश रहो। हाँ, खुशी रहो और क्या, रोज है अपने पास? वही तो हम बोले, मेरे पास रोज नहीं है कोई। सो गाइस, इस वैलेंटाइन हमारा बेबी आ सकता है, पता नहीं क्या त्योहार मनाएगा हमारे साथ। मनाइएगा, खूब मनाइएगा, है ना, मनाते रहिएगा। किट्टो एकदम गुजगुज हो गई, पता है इसका बॉडी एकदम गुजगुज हो रखा है। अरे मत करो ऐसे, अरे वाह क्या पति मिला है, ये करे हमारा बहुत फायदा उठाती हो, बहुत फायदा उठा रही किट्टो प्रेगनेंसी में। कोई बात नहीं, एक बार बच्चा तो होने दो फिर बताएंगे तुमको। तुम्हारा हाथ ना बहुत जैसे बहुत स्ट्रांग है ना, वैसा टाइप का है, पता नहीं कि जैसे अंदर से ना फीवर टाइप का लग रहा है, इसलिए बाल खुले रखे हैं, बाल गीला मतलब धुल दिए थे आज, इसलिए धुल दिए क्योंकि मुझे एक हफ्ता के ऊपर हो गया था बाल धुले हुए, इसलिए मैं धुल दी। अभी मैं तेल लगा लूँगी। मम्मी ने सारा इनका पैंट शर्ट प्रेस कर दिया है, ये देखो, खुश। थैंक यू सासुमा को, थैंक यू बोलो। बहुत काम करवा रहे हैं। अरे यार, मैंने बोला, तुमने खुद बोला। ऐसे कहती हो, कौन था? बहुत प्रेस करवा रहे हैं आप। शोर मत करना। मम्मी हमको डांट रही है, देख रहे गाइस, हमको डांट रही है। हमको हमारे लिए आया था मम्मी ना कि तुम अपने मम्मी से काम करवाती हो, शर्म नहीं आती तुमको? हाँ। क्या कहना चाहती हो? नहीं है, हम करवाते हैं करने के लिए, जैसे कि हाँ कि इसीलिए तो आए हैं हम। इस मम्मी करी इसीलिए तो आए हैं। बताइए। नहीं मम्मी, थोड़ा सा देखभाल केयर करने के लिए, नहीं करेंगी तो कौन करेगा? सही बात है, तभी तो कहते हैं माँ माँ होती हैं, हम भी एक माँ बन रहे हैं ना, फिर उसका देखते हैं कैसे माँ बनते हैं हम, अच्छी माँ बन पाते हैं कि नहीं। चलो नहीं चलो हम रख देते, कपड़े वगैरह इनका प्रेस हो गया है। क्या बात है, आज घर सजा रही हो पूरा? आज जा रहे हैं ना घर छोड़, घर छोड़ के जा रही हो? हाँ। ओके। नहीं, आज जरा बेडशीट चेंज किए ना, धुले हैं तो हमके खोली नहीं, सब धुल दिए। नहीं सही है, टाइम टाइम सब धुलना चाहिए। हमें का फैशन है हम लोग, हफ्ता हफ्ता चेंज कर देते हैं बेडशीट।
धुल देते हैं। वॉशिंग मशीन है कौन सा, उसे मेहनत करना है। ये बैग यहाँ क्यों रखे हैं? हाँ वो लेके जाना है डॉक्टर के पास, अभी चल रहे हैं उसको ले चलो उधर ही, रिपोर्ट डाल दे उसमें सब लगा दे। आग दर जलने लगा पता है, कौन कपड़ा रखोगी? हाँ बाप रे, इतना कपड़ा प्रेस हो गया जी। मेरा शर्ट वा कहाँ रखा मैं, ये रहा अपने आखिर हम चला गया। पैंट वाले या वा ले आओ थे यार, चला वही केमिकल वा चला गया, केमिकल वा नहीं वो चला गया, शैम्पू थोड़ा चला गया, अभी पानी और मार लेंगे सही हो जाएगा। ये नीचे वाले में शर्ट डाल दो, नीचे वाले में डाल दो, नीचे वाले में। चड्डी गंजी कुल चड्डी गंजी क्या हो गया यार, तुम रहन तो मैं रख रहा हूँ ना, रखना होता है कब का रख देते। तो इसी में से तो हॉस्पिटल भी लेके जाना है मुझे, ले आऊं पैंट बाबरे, टी शर्ट तरिया की रखी जैसे पगड़ों की तरह रखे रहा। यार तुम क्या चाह रही हो आज? कुछ नहीं चाहती हूँ। तो गाइज यहाँ पे मैं सारा कपड़ा इनका, मतलब कि मैं अपने अलमारी का पूरा सफाई तो कर लेती हूँ, लेकिन ये ना क्या करते हैं, ये सारा कपड़ा बिखेर करके रखते हैं। तय कितना भी मैं तय लगा के रखूँगी फिर इनको बिखेर करके रखना है, और लड़कों का यही काम ही होता है। तो मैं सोच रही थी कि मैं कल जाऊँगी, तो इससे पहले मैं क्या करती हूँ, सारा कपड़ा इनका तय लगा देती हूँ, टी शर्ट के जगह, पैंट पैंट के जगह, लोबर लोबर के जगह, और जितना सारा हुडी था मैंने सारा बोला कि आप ऊपर रख दो, ज़्यादा इसको फैला के मत रखो। यही में मेरा कितना सारा टाइम निकल गया था इनका, बस खाली अलमारी साफ करने में। थक गई? नहीं बुखार हो गया है ना, फीवर हो गया है। हम बात कर रहे थे पूनम दीदी से, भाभी से, करी तुम्हारा चेहरा कितना लाल हो गया है, हम कह मुझे ना फीवर है। हाँ ये भी बात है, बुखार नहीं चढ़ना चाहिए ऐसे में, इसीलिए तो क्या खूब नमक डाल के और अजवाइन डाल के चाय पिए हैं। ठीक है, अच्छा काम कर रही हो, तब दवाई खाई, दवाई रख लो सब। उस दिन बंदरा दी ब्लॉग में डाली थी मम्मी किट्टू का बड़ा सेवा कर रहे हैं, अरे ये कौन सेवा है, मम्मी तो बोल रही थी आपका कमर दर्द करता है दबा देंगे ना, मैं बोल रही थी ना उस दिन कहा तो दो तेल तैसा जमाइन में चिरे के। आपका फोन आ रहा है क्या? इस वाले ब्लॉग को एंड करते हैं, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, खुदवे सारा प्यार यही देते रहिएगा, और कल हम लोग हॉस्पिटल पे रहेंगे तो वाला ब्लॉग आप लोग जरूर देखिएगा। बाय बाय।